नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अबिन 24 न्यूज़। दोस्तों इस समय करनाल में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं लोगों की आवाजाही। कोई काम पर जा रहा है, कुछ कुछ खरीदने जा रहा है और ऐसे में बाज़ारों की ये रौनक, जो कि पिछले सालों के अंदर जब कोरोना आया था तब आपने देखा था, इन्हीं सड़कें जो थी ये सुनसान थी। एक परिंदा भी जो पर जो है वो नहीं मार सकता था, क्योंकि सरकार ने नियम बनाया था कि अब आपको घर रहना होगा। लेकिन क्या वो हालात दोबारा से हो सकते हैं, तो आपको बता दें जी बिल्कुल, अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे तो हो सकते हैं। क्योंकि और देशों की बात करें तो ब्रिटेन के अंदर लगभग रोज के 10,000 मामले जो है कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के, वो वहां पर आ रहे हैं। और नीदरलैंड में बता दें तो लॉकडाउन लग चुका है। और फिलहाल इंडिया के हालात तो आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको कोई मास्क के अंदर नहीं दिखेगा, कोई भी आदमी ऐसा नहीं दिखेगा जो किसी से 2 गज की दूरी बनाकर खड़ा हो। सब कुछ जो है बिल्कुल वैसा ही हो चुका है जैसा कोरोना के समय से पहले था। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि लोगों में फिलहाल खौफ नहीं है, क्योंकि लोग तो शायद कहीं चाहते थे कि उन्हें मास्क से छुटकारा मिल जाए। लेकिन मास्क से छुटकारा तो तभी मिलेगा जब तक हम पूरा ख्याल नहीं रखेंगे। और यहाँ आसपास आप जितने भी देख लेंगे, आपको लोग दिखेंगे, शायद ही कोई ऐसा दिखेगा जिसने अपने चेहरे पर मास्क का जो है इस्तेमाल किया हो, क्योंकि लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो गए थे घरों में रहकर। लेकिन सवाल ये है, क्या फिर से वो हालात हो सकते हैं? तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि मामले जो हैं आपको बता दें, पिछले 3 दिन में भी करनाल के अंदर जो है 11 मामले आ चुके हैं। और अभी तक भी जो है लोग यहाँ पर ऐसे ही दिख रहे हैं कि जैसे फिलहाल कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें प्रशासन का काफ़ी बड़ा रोल रहता है। हालांकि कोरोना के समय में काफ़ी सख्ताई थी, लोगों की गाड़ियां भी इम्पाउंड हुई, उसके अलावा जो लोगों के मास्क के चलान हुए, लोगों को फिलहाल जो है यहां पर जिस तरीके से आप देख सकते हो, तो वो समय ऐसा था जब लोग ये नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से जो है वो इस बीमारी की चपेट में आए। लोगों में खौफ था, डर था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया लोग जो है वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ आ गए। लेकिन अभी जो है फिलहाल आपको बता दें कि जो एम्स के डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर ऐसे ही चलता रहा, क्योंकि तीसरी वेव तो आनी थी, फिलहाल तीसरी वेव के बारे में कहा जा रहा था कि वो अक्टूबर में आएगी, लेकिन अक्टूबर चला गया, नवंबर भी चला गया, दिसंबर आ चुका है, और अब जो है वो बता रहे हैं कि फिलहाल इसके लिए अब भारत को तैयार रहना चाहिए। क्योंकि तैयारियां कैसी हैं ये डॉक्टर्स भी अपनी नज़र से देखते हैं, क्योंकि शहरों के हालात देखकर जो है जो डायरेक्टर हैं एम्स के, उन्होंने बताया कि अब इन हालातों के बाद जो है अब ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि दूसरे देशों में लॉकडाउन लगने की स्थिति हो चुकी है। और जैसे जैसे क्रिसमस का समय आने वाला है, इंजॉयमेंट करेंगे लोग, नया साल भी आएगा, त्यौहार आएंगे, तो जैसे मामले बढ़ रहे हैं, क्या अब वो स्थिति फिर से बन सकती है? तो आपको बता दें बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और ख्याल कितना रखा जा रहा है ये आप पूरे मार्केट में देख सकते हो, लोग आराम से आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी को फिलहाल कोई चिंता नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि मास्क जो है किसी के पास भी आपको नहीं दिखेगा। अगर आप देख लें, चाहे फ्रूट बेचने वाला इंसान हो या खरीदने वाला हो, चाहे कोई दुकानदार हो, चाहे कोई प्रशासन का व्यक्ति भी क्यों ना हो, वहाँ पर भी। तो बात करते हैं, हाँ जी भैया जी, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। तो आपने मास्क नहीं लगाया हुआ? लगाना चाहिए कि नहीं? लगाना चाहिए, लॉकडाउन फिर लग जाएगा। हाँ। तो यहाँ पर जो है फिलहाल जो लोग हैं उनसे ये अपील करना चाहेंगे कि हम भी ये चाहते हैं कि वो हालात फिर से ना बने, क्योंकि उन हालातों के दौरान लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। और आपसे अपील है कि इस वीडियो को साथ साथ शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी धीमान और आईबीएन 24 में आपका स्वागत है। जैसे कि मेरे सहयोगी दर्पण उपल ने आपको बताया कि नीदरलैंड में लॉकडाउन लग चुका है और ब्रिटेन में लॉकडाउन लगने के हालात शुरू हो चुके हैं। वहाँ पे रोज़ाना के तकरीबन 12,000 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं और 10 या 12 लोगों की वहाँ पे मौत भी हो चुकी है। तो ऐसे में भारत पे भी बहुत ज़्यादा भारी ये कोरोना जो
ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो बढ़ सकता है, कोरोना की थर्ड वेव शुरू हो सकती है। ऐसे में एम्स के जो डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया हैं उन्होंने भी भारत में चेतावनी देने की जो अलर्ट है वो जारी किया। उन्होंने बोला है कि हमें भारत में हमें सख्ती करनी चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। अगर हम अभी से अपने आप को सेफ नहीं रखेंगे तो तीसरी जो लहर है वो भी आ सकती है। जैसे दूसरी लहर में जनवरी में 1 से 2 हमें केस मिलने को सुनाई दे रहे थे कि 1 से 2 केस मामले हैं वो सामने आ रहे हैं, और फिर फरवरी के बाद 15 या 14 फरवरी के बाद जो उसके दूसरी लहर के जो मामले थे वो एकदम से तेज़ी से इतनी तेज़ बढ़े कि एक दौर ऐसा आया कि लॉकडाउन लगाया गया और ऑक्सीजन की भी कमी हुई। लोगों की उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डेथ हुई, जो घर परिवार हैं बहुत लोगों के जो घर परिवार है वो भी उजड़े, तो ऐसे हालात बनते हुए नज़र आए थे। तो इस बार फिर से ऐसे हालात हो सकते हैं, इसलिए लोगों को सेफ रहना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। आप जैसे देख सकते हैं इस टाइम करनाल की मार्केट में मौजूद हैं, कई लोगों ने मास्क पहने भी हैं और कई लोगों ने मास्क नहीं पहने हैं। तो क्या ऐसे में लोगों को सेफ नहीं रहना चाहिए, ऐसे में लोगों को मास्क नहीं पहनने चाहिए, दूरी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि तीसरी लहर जो आ सकती है उसमें बहुत ज़्यादा खतरा भी हो सकता है, क्या लोगों को अपनी सेफ्टी नहीं रखनी चाहिए? तो ऐसे में कुछ लोग हैं जिनसे हम भी बात करेंगे, हम पूछेंगे कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर वो मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं। आप खड़े रहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया, मैं एक दो लोगों से पूछते हैं, आपने अभी मास्क नहीं लगाया, आप स्टूडेंट भी हैं, हाँ जी, तो आपने मास्क क्यों नहीं लगाया है? आपको पता है ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया है, नो कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है, मिला नहीं मेरे को मास्क। ये देखिए कि मास्क मिला नहीं, पर ऐसे में लोगों को, आपको क्या लगता है कि लोगों को ऐसे में सेफ रहना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए? जो प्रशासन है वो भी कहीं पे यहाँ पे सख्ती करती नज़र नहीं आ रही है। तीसरी जो लहर है वो आने की आकांक्षा थी, और जो एम्स के जो डायरेक्टर है उन्होंने भी साफ साफ ये बोला है कि भारत को सख्ती रखनी चाहिए, क्योंकि तीसरी लहर कभी भी प्रवेश कर सकती है। जैसे कि दूसरी लहर में जनवरी में 1 से 2 मामले सामने आए, तो वहीं फरवरी में तेज़ी से इतनी रफ्तार से मामले बढ़े कि जिसके बाद एकदम सन्नाटा छा गया, लॉकडाउन लग गया, फिर से लॉकडाउन लगने की आकांक्षा भी बताई जा रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही लोग जो डिस्टेंस है वो नहीं रखेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, तो शायद फिर से लॉकडाउन लग सकता है और फिर से ऐसे हालात आ सकते हैं। तो लोगों को मास्क पहनना चाहिए, क्योंकि अगर लोग ऐसे सख्ती नहीं रखेंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, दूरियां नहीं बनाएंगे, तो उनको बीमारी का और बड़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है, जैसे दूसरी लहर में लोगों ने किया था। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इस वीडियो देखें और मास्क पहनना शुरू करें। अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, अपने आप को ठीक रखना भी आपके हाथ में है। प्रशासन भी यही कहती है कि 2 गज की दूरी बनाए, मास्क पहने। कोरोना जो वेरिएंट है, जो तीसरी लहर है, जो कोरोना है, वो तीसरी लहर आ सकती है, कभी भी आ सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें। तो दोस्तों, जिस तरीके से मेरी सहयोगी ने आपको बताया, और अभी फ़िलहाल जो है लोग जो हैं आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई टाटा बाय भी कर रहे हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर देख के, क्योंकि लोगों के अंदर खुशी है, कैमरे के आगे आना चाहते हैं। लेकिन सवाल यही है कि आपको कोई मास्क के अंदर तो दिख नहीं रहा होगा, और आपसे यही अपील करते हैं आम जनता से, सरकार जो है वो अपनी तरफ से कितना प्रयास करती है, कितना नहीं करती है, ये सरकार पर है। लेकिन हम कितना प्रयास करते हैं इस इन चीज़ों से बचने के लिए, जिस तरीके से अब कोरोना के मामले फिर से बढ़ सकते हैं और दूसरे देश जो है वो उसकी चपेट में आ रहे हैं, और हिंदुस्तान का हालात आपने देखे थे किस तरीके से मंदी की मार हिंदुस्तान ने झेली, और अभी फिलहाल यहाँ पर जो है वही मंदी की मार से अभी गुजरकर जो अभी निकला है, काफ़ी मुश्किलों के बाद जो है ये रौनक बाजारों में लौटी है। तो वो वैसे ही बनी रहे, इसके लिए हमेशा ख्याल ज़रूर रखें, मास्क पहने, और फिलहाल कहेंगे 2 गज की दूरी भी बना के रखें। तो आपसे पहले इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करें, फिर से जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।